सालों में तो साहब बन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, सालों में तो साहब बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा पटेल। मेरी आज के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि आज मैं जो नॉर्मली वीडियो शूट करता था टी शर्ट पहन के, हाफ टी शर्ट ये एपिसोड पहन के करता था, आज पहली बार मैंने जैकेट पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप मेरे को यह जरूर बताना कि जैकेट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, मैं अपनी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ RTI के बारे में। जी हाँ, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा पता मुझे भी नहीं है और मैंने मुझे भी अभी ही मालूम चला, इसलिए आया तो काफी टाइम से है लेकिन मैंने इन चीजों पर गौर नहीं किया था। अभी जब मैं पॉलिटिक्स के वीडियोज बना रहा हूँ तो मैंने कुछ वीडियोज में सुना RTI के बारे में, उसके बाद फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया RTI क्या है, तो मुझे कुछ चीजें पता चली RTI के बारे में जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। RTI के बारे में मुझे जो भी चीजें पता चली उसको डीपली समझने के बाद, जानने के बाद मुझे मालूम चला कि ये वाकई में बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है और इसके जो पावर्स है वो एक तरह से FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से भी ऊपर की है, उससे भी अधिक इसकी पावर होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है हम सभी के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। तो एक्चुअली मैंने कभी इसके बारे में जाना नहीं था, मैंने सिर्फ इंटरनेट से पढ़ा, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में कि मैं आप लोग को बता सकूं। तो उसके लिए भी मैंने इंटरनेट पर ही सर्च किया, यूट्यूब पर सर्च किया, तो मुझे एक वीडियो मिली। मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में अच्छी तरह से बताया गया है कि RTI क्या है। तो ये वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप खुद इस वीडियो को देखिए और जानिए कि RTI क्या है। और अगर आपके पास और भी कोई सवाल हो RTI से रिलेटेड तो आप एक बार नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा सर्च करके। मुझे अच्छी तरह से तो नहीं पता लेकिन हाँ, मैं सर्च करके आपको जरूर बताऊंगा, पूरी पूरी मदद करूंगा मैं आपकी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है? RTI में हर भारतीय को ये हक दिया गया है, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जानकारी मांग सकता है और उस सरकारी विभाग को उस RTI एप्लीकेशन का जवाब 30 दिन में देना अनिवार्य है। अब हम आपको बताते हैं कि RTI का फायदा क्या है। RTI हर भारतीय को इंफॉर्मर करता है और जागरूक करता है कि वो जानकारी मांग सके और उस जानकारी का सही उपयोग कर सके, जिससे कि शासन में ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अकाउंटेबिलिटी आएगी। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत ही काम आने वाला अधिनियम है। RTI में इस तरह की सूचना मांगी जाए, सरकारी विभाग से ऐसी जानकारी मांगनी चाहिए जो तथ्य या फैक्ट के बारे में हो, मतलब अगर कुछ गलत हुआ है तो वो क्यों हुआ है। RTI से हम अपनी रोजमर्रा की प्रॉब्लम का सलूशन भी कर सकते हैं। हमारे एरिया में सफाई पर कितना पैसा खर्च हुआ है, भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत, पानी के बारे में जानकारी, सड़कों का पैसा कहाँ गया, कितना पैसा लगा और कितना पैसा आया था, राशन कितना आया और कितना बचा, कितना बांटा गया, किससे जानकारी मांग सकते हैं। आप किसी भी सरकारी विभाग से उसके काम के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। बहुत से ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं जो सरकार से पैसा लेती हैं, उनसे भी आप सूचना मांग सकते हैं। लेकिन याद रहे, कुछ सुरक्षा से रिलेटेड और कॉन्फिडेंशियल जानकारी RTI नहीं देती। सेंट्रल या केंद्रीय विभाग में ऑफिसर होते हैं, आप अपना एप्लीकेशन जन सूचना अधिकारी या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दे सकते हैं और वो आपकी अर्जी सरकारी डिपार्टमेंट में पहुंचा देंगे। सूचना हासिल करने में कितना टाइम लगता है या कितना समय लगता है, हर सरकारी विभाग को आपको 30 दिन में जवाब देना होता है। अगर आपको 30 दिन में सूचना नहीं मिलती तो आप अपील भी कर सकते हैं। सूचना कैसे मांगे, RTI एप्लीकेशन कैसे लगाएं? आप एक पेपर पर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, वैसे ऑनलाइन आपको काफी एप्लीकेशन या सैंपल मिल सकते हैं, जैसे मैंने ये डाउनलोड किया है। लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन
एप्लीकेशन लिखना नहीं आता तो सूचना अधिकारी की मदद भी ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने तो RDI फॉर्म ऑनलाइन डाल दिया है और आप घर बैठे ही अपनी फीस देकर ऑनलाइन RDI लगा सकते हैं। फीस कितनी भरनी हो, RDI की फीस सिर्फ 10 रुपए है। RDI जरूरी क्यों है? RDI के इस्तेमाल से आप शासन में और देश में बदलाव ला सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में RDI ने आम नागरिक को शासक बना दिया। तो दोस्तों ये रही मेरी आज की वीडियो, मैंने आपको जो दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो उसको शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी RTI के बारे में मालूम चले और वो इन चीज़ों का फायदा उठा सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। मुझे भी लगता है कि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, कुछ परसेंटेज का आंकड़ा मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को मालूम है कितने लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन मैं सब लगा बोल सकता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी RTI के बारे में नहीं पता होगा। तो आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों को जरूर बताइएगा ताकि वो देखें RTI क्या है, उन्हें भी मालूम चलना चाहिए RTI क्या है, क्योंकि ये आम नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये। तो आप लोग इसे जरूर देखिए और इसको जरूर शेयर करिए अपने परिचित अपने दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो फिर एक लाइक जरूर कीजिएगा, आप लाइक करेंगे तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आगे से और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने की। तो अभी के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।